हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम सीखेंगे डिवीज़न के बारे में। डिवीज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग। यानी कि डिवीज़न या भाग हम कैसे करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं। कितनी चॉकलेट्स हैं? 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आपकी मम्मा ने कहा कि 5 बच्चों में इन चॉकलेट्स को बांट दो। और हाँ, बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। तो आपके पास कितने बच्चे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 चॉकलेट है, देन बच्चे हैं 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो सबको एक एक चॉकलेट दे देंगे। आपने कितनी चॉकलेट दे दी? 1, 2, 3, 4, 5 5 चॉकलेट्स आपने एक एक सबको दे दी। अब आपके पास कितनी बची है? 1, 2, 3, 4, 5 फिर आपने क्या किया? 5 बची है तो आपने फिर सबको एक एक चॉकलेट और दे दी। तो बताइए, आपको एक एक बच्चे को कितनी कितनी चॉकलेट्स दी आपने? दो दो चॉकलेट सबको दी है आपने, है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपने डिवीज़न किया है। लेकिन डिवीज़न का मतलब क्या कि आपने 10 चॉकलेट्स का 5 बच्चों में भाग कर दिया, आपने उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ पे डिवीज़न तो आपने माइनस करके किया है। अब डिवीज़न हम एक शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कैसे। आपके पास चॉकलेट कितनी थी? 10। और उसके कितने भाग करने थे आपको? 5। कितने भाग करने थे? 5 भाग करने थे, ठीक है। इसका एक बहुत आसान तरीका होता है, इस तरह का मार्क लगाते हैं और जिस चीज़ का भाग करना होता है, यानी जिस चीज़ को डिवाइड करना होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और जितने बार डिवाइड करना होता है उसको हम बाहर साइड लिखते हैं। अब क्या करेंगे कि इसका हम टेबल पढ़ेंगे कि ये आ जाए। तो बताइए, 5 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए। 5 1 5 5 2 10 कितनी बार आया? 2 बार आया। और फिर इसको हम नीचे लिखते हैं, और जैसा मैंने बताया माइनस करके आ रहा था, तो हमने माइनस करके देख लिया कि 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो देखा आपने आंसर क्या आ गया? 2। आपका माइनस करके भी आंसर 2 आ रहा था। और इस तरह से आपने शॉर्टकट तरीके से फटाक से निकाल लिया कि आंसर कितना आएगा? 2, ठीक है। तो ये आपने समझा कि डिवाइड का मेथड शुरू कहाँ से होता है? जब हमें किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना है। कितने भागों में? बराबर बांटना है, यानी कि जो भी आपके पास चीज़ है जब उसको हमें बराबर बांटना है सब में, तब हम डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और थोड़े से बड़े लेते हैं। अब डिवीज़न का हम ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, जब चीज़ों को बांटना है तो हम डिवाइड करेंगे। और मैंने अभी मार्क के बारे में बताया कि डिवीज़न का हम इस तरह से करके करते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिवीज़न का मार्क क्या होता है? ये एक लाइन खींचते हैं और ऊपर नीचे दो बिंदी लगाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है, यानी कि अगर मान लीजिए वही क्वेश्चन हम लेते हैं कि 10 चॉकलेट्स को 5 में बांटना है, तो इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 5। यानी जिस चीज़ का डिवीज़न होना है वो पहले लिखी जाती है, और जितनी बार करना है उसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला। अब मान लो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 100 को, किससे? 2 से। 100 को आपको किससे डिवाइड करना है? 2 से। अब डिवीज़न करने का तरीका देखेंगे, बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो। सबसे पहले हम पहला नंबर लेंगे। ये बताइए, 1 2 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, तो जाहिर सी बात है 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तक जाएंगे, अभी हम डायरेक्ट 100 तक डिवाइड नहीं करेंगे। डिवीज़न में पहले हम फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट नंबर इससे छोटा है तो इसका मतलब इसके टेबल में जाएगा ही नहीं, तो हम सेकेंड नंबर तक जाते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हम 1 से शुरू करते हैं, लेकिन डिवीज़न जो है वो हम लास्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम 0 से नहीं, बल्कि हम 1 से डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। 1 छोटा था तो हमने 2 डिजिट ले लिया। अब 2 के टेबल में 10 तो आएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो हम 2 5 ज़ा यहाँ पे लिखेंगे,
और 10 आ गया है तो 10 को नीचे लिख देंगे, 10 के नीचे एकदम। और हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0 एंड 1 में से 1 गया 0। अब 10 तो डिवाइड हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, 0। इसको जस्ट इसके बगल हम यहाँ पे उतार देंगे, ये तो एक तो इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है, 0। अब 2 का टेबल पढ़ो कि 0 आ जाए, बहुत इजी है, 2 0 0। कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, 0 में से 0 गया तो क्रॉस भी कर सकते या फिर 0 लिखेंगे। वैसे सही तरीका 0 लिखना होता है, क्रॉस मतलब कुछ नहीं, क्रॉस जो निशान है वो मल्टीप्लिकेशन का निशान है, इसलिए कुछ बच्चे क्रॉस जो लगाते हैं वो गलत होता है, क्रॉस का आंसर नहीं है। अगर हम 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, अगर हम 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, तो हमें यहाँ पे 0 लिखना चाहिए ना कि क्रॉस का निशान लगाना चाहिए। इसलिए मैंने क्रॉस को मिटा के 0 लगाया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्रॉस नहीं लगाना है, आंसर इज 0। ओके, तो ये तो हो गया, आपने देखा 3 डिजिट का हमने कैसे किया। अब मान लीजिए यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 12 से 24, ये पूरा 243, ठीक, थोड़ा बड़ा चल रहे हैं तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। जैसा मैंने बोला कि 2 डिजिट है तो जाहिर सी बात है 1 डिजिट नंबर तो जाएगा ही नहीं, तो हम 2 डिजिट तो पहले ही ले लेंगे, लेकिन अगर 2 डिजिट छोटा होगा तब हम 3 डिजिट तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 24 जो है वो 12 से बड़ा है, इसलिए हम 3 डिजिट तक नहीं जाएंगे, ठीक है। 12 का टेबल पढ़िए कि 24 आ जाए, 12 2 24। मैंने बताया था माइनस करना है, तो 4 में से 4 गया 0 एंड 2 में से 2 गया 0। अब हम यहाँ पे क्या उतारें, एकदम सीधे उतारेंगे, कहीं और नहीं जाना, कि हमने यहाँ पे उतार लिया 3। अब ये बताइए कि क्या 3 12 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि तो क्या करेंगे, जब 12 के टेबल में 3 नहीं जाएगा तो क्या इसको वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपनी प्लेस बता रहा है, तो 12 के टेबल में 3 तो नहीं जाएगा, लेकिन इससे छोटा तो हम कर ही सकते हैं, 12 1 12 तो होता है, लेकिन उससे पहले भी तो एक होता है, क्या होता है, 12 0 0 12 0 0। और अब ये जाके कंप्लीट हुआ है आपका डिवीजन, ये ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जब यहाँ से डिवीजन नहीं जाता तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई भी संख्या 0 बार तो जाएगी ही, और 0 तो किसी भी संख्या से छोटा होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 12 0 0 करेंगे और ये माइनस आके आ गया 3, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि डिवाइड को चेक कैसे करते हैं, यानी कि हमारा डिवीजन सही है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 12 मल्टीप्लाइड बाई 20, और जो रिमाइंडर होता है यानी जो शेषफल होता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक चीज़ इसमें यहाँ पे आपको नाम भी पता होना चाहिए, जो ये नंबर होता है ये होता है डिवाइडर, ये सबको डिवाइड कर रहा है इसलिए ये डिवाइडर, और जो डिवाइड हो रहा है इस जगह पे जो भी नंबर होता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और यहाँ पे जो आंसर आता है इसको हम बोलते हैं क्वोशेंट, और अगर नीचे कुछ बच जाता है तो बच गया, शेष रह गया यानी रिमेन रह गया, तो इसको हम बोलते हैं रिमेंडर। तो इसको इक्वेशन की तरह अगर याद करोगे चेक करने के लिए, क्या हुआ, डिवाइडर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमेंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू क्या क्या है, डिवाइडर या डिविजर आप कह सकते हो इसको, डिवाइडर इट इज डिविजर, ठीक है, डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है जो कि आप नोट कर लीजिए, और इसी से हम चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करके देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था
मल्टीप्लीकेशन में बहुत इजी तरीका, 12 जीरो सा जीरो कर देंगे और 12 टू सा 24, 240 और प्लस 3, तो इसमें 3 प्लस करो कितना आ जाएगा, 243। ये हो गया आपका आंसर, आपने देखा 243 और 243, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है, जो हमारा डिवाइड है, वो बिल्कुल सही है। ओके, आई थिंक आपको डिविजन समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।